महागठबंधन के समय में हम लोग देखे थे कि 5 बजे के लोग गांव से निकलते नहीं थे, रोड पर नज़र नहीं पड़ते थे, कि लगता था भय लगता था, कहीं एगो रोड चलने के लिए नहीं था। बिजली हम लोग देखे पारा पर मिलता था। खाता नहीं खुलेगा बिहार में, खाता नहीं खुलेगा बिहार में, खाता नहीं खुलेगा, नहीं। मोदी जी का कितना रहेगा? 40 में 40 रहेगा बिहार में। यहाँ तो नीतीश जी जिसको अपना कैंडिडेट बना के भेज देंगे, एकदम जनता लोग उसी को वोट दे देगा, एकदम 400 पार अबर कर देना है। पासवान जी हैं जी, तब किसको आप वोट दीजिएगा इस बार? कौशलेंद्र जी के। कुछ नहीं, उन लोग का कुछ नहीं चलेगा। बिहार की जनता मानता है तो नीतीश जी, या नहीं तो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी। दही दूध खाते हैं तो उतना हो गया। दूध जादव जी लोग खाते हैं। कौन जाति के हैं? हम लोग भूमिहार जाति के हैं। उससे फॉलोअप कर गया जाति जनगणना, कुछ नहीं उससे चलेगा। उससे कुछ हुआ उसको नीतीश लालू जी के बेटा के? कोई फायदा नहीं हुआ। मोदी जी खेवनहार हैं, देश को खेवनहार। इतना बने कोई प्रधानमंत्री नहीं मिला, लड़के फरियाले ने, वो कितना सीट मिलेगा उसको से बिहार में? हम लोग तो मोदी के साथ हैं। जो राम को लाए हैं उसको हम लाएंगे। मंत्री नीतीश कुमार है, काम कर दे उप मुख्यमंत्री। अरे मुख्यमंत्री मुखिया ने काम करेगा कि उप मुख्यमंत्री काम करेगा? आपके घर के मालिक करेगा कि नौकर काम करेगा? टेढ़ा कर देंगे। पूरे देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अब की बार 400 पार का नारा दिया गया है। इसके साथ ही राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा किए हैं। फिलहाल इस वक्त हम नालंदा में मौजूद हैं और नालंदा का ये बिहार शरीफ राजगीर मुख्य मार्ग है। इस मुख्य मार्ग पर नालंदा रेलवे स्टेशन के सामने एक होटल है। बताया जाता है कि इस होटल का मटन और चावल काफी अच्छा है। हम इस होटल का कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी हम मांस मछली खाते नहीं हैं, लेकिन सामने में आप देख लीजिए, इस होटल पर हमेशा आपको 2-4-10 लोग बैठे नज़र आ जाएंगे और अक्सर होटल चाय दुकान पर ही चुनाव की चर्चा होती है। और नालंदा में चुनाव का चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नालंदा मुख्यमंत्री साहब का गृह जिला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये गृह जिला नालंदा है और नालंदा के लोग क्या कुछ सोचते हैं इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर, हम बातचीत करेंगे यहाँ के लोगों से, इस जगह के लोगों से, कि आखिर इस बार नालंदा के लोग किसको अपना सांसद बनाएंगे और देश का प्रधानमंत्री किसको बनाने की बात इस बार कर रहे हैं। सामने में आपको एक नेता जी नज़र आ रहे हैं, पूरा उजला उजला कुर्ता पायजामा पहने हुए हैं, पूरा मदमस्त है, कद काठी भी इनका मजबूत है। इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर इस बार क्या नालंदा के लोग सोचते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? हमारा नाम मुकेश कुमार हुआ। मुकेश कुमार, हाँ। क्या काम आप करते हैं? हम ऐसे घूरते हैं, अपना ग्रामीण जनता है, घूरना काम है आपका। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इस बार नालंदा के लोग क्या सोच रहे हैं, किसको सांसद बनाइएगा आप? नालंदा के लोग के सोचना क्या है, यहाँ तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जिला है, यहाँ इतना विकास का कामें हुआ है कि यहाँ तो नीतीश जी जिसको अपना कैंडिडेट बना के भेज देंगे, एकदम जनता लोग उसी को वोट दे देगा। यानी नीतीश जी जिसको एकदम बस सांसद बन गए अब। अब क्या है, अब तो वहाँ नरेंद्र मोदी जी का हाथ है, एकदम 400 पार अबर कर देना है। 400 पार? हाँ, इतना विकास देख रहे हैं कि कितना विकास है, एकदम 4 लेन पर हम लोग घूर रहे हैं, एक बार एक ट्रेन राजगीर से हम लोग चढ़ रहे हैं। बिजली रात में अगर देखिएगा तो लगेगा कि ग्रामीण क्षेत्र, लगेगा कि बम्बई शहर है। और विकास क्या के चाहिए? लेकिन ये महागठबंधन वाले लोग तो कहते हैं वो सब तो छोड़िए ना, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, महागठबंधन बेरोजगारी बढ़ गया है। महागठबंधन के समय में हम लोग देखे थे कि 5 बजे के लोग गांव से निकलते नहीं थे, रोड पर नजर नहीं पड़ते थे, कि लगता था भय लगता था, कहीं एगो रोड चलने के लिए नहीं था। बिजली हम लोग देखे पारा पर मिलता था, आज अगर मिल रहा है 4 घंटा तब कल न परसों मिलेगा, उस समय हम लोग देखे हुआ है। अब अभी दिन और रात में जाइए, अगर लाइन कट जाता है तो चर्चा होता है लाइन कट गया काहे, 24 घंटा 22 घंटा लाइन मिल रहा है। उसमें भी 5 बजे के बाद सबसे ज्यादा डर ऐसे ही कुर्ता पैजामा वालों को लगता है। हम लोग, हाँ, 5 बजे के बाद तो कोई रोड पर नजर नहीं पड़ता था, अब अभी हम लोग 10 बजे भी घर जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। अच्छा, बिहार में ऐसा माना जाता है कि जातीय फैक्टर काफी काम करता है, हाँ। तो इस बार लोकसभा के चुनाव में कितना काम करेगा जातीय फैक्टर? वो लोकसभा में वहाँ हम लोग विकास देखते हैं, हम लोग उतना जाहिल नहीं है कि हम लोग जात के नाम पर हम लोग वोट देते हैं। हम लोग को विकास करने वाले हैं नीतीश जी, मोदी जी, हम लोग वो देखते हैं। केंद्र में मोदी जी के सरकार होना चाहिए, बिहार में नीतीश जी का सरकार होना चाहिए। नीतीश जी जब आए तब ने इतना विकास हुआ बिहार में, पहले कुछ था।
अच्छा, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में सबसे अच्छा नेता आपको कौन लगता है? दोनों है विकास पुरुष है, दिल्ली में देश में माना, पर मोदी जी विकास कर रहे हैं। अच्छा, दोनों में अगर नंबर वन बनाया जाए तो किसको आप एक नंबर? हम दोनों के एक नंबर देंगे, दोनों विकास पुरुष हैं। दोनों विकास, हाँ दोनों हैं। देखिए ये होशियार है ना, किसी को नहीं ये एक नंबर देना चाहते हैं। सामने में एक युवा साथी है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? चंदन पासवान। चंदन पासवान जी, पासवान जी हैं जी। तब किसको आप वोट दीजिएगा इस बार? कौशलेंद्र जी के। कौशलेंद्र जी के जी, जो वर्तमान सांसद हैं जी। अगर उनको टिकट नहीं मिला तब तो चिराग पासवान को। चिराग पासवान के जी। जात गुनी चिराग पासवान के जी। का हाँ, हाँ? हाँ। तो चिराग पासवान तो नरेंद्र मोदी के सपोर्टर हैं। हाँ, हाँ? हाँ। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी? मोदी जी। मोदी जी, जी। मोदी जी का है। हाँ, बढ़िया काम किए हैं। क्या काम किया? अच्छा विकास कर किए। क्या विकास किए? बहुत काम कर दिए, लाइन सब दिए। लाइन दिए हैं जी। अच्छा, आप करते क्या हैं? टायर बनाते हैं। टायर बनाते हैं, तो आपके लिए क्या काम किए मोदी जी? बहुत काम किए हूँ। हाँ, विकास तो बहुत कर दिए हैं। टायर बनाने के लिए आपको कोई उपकरण भी दिए हैं? कागो सब चीज ले, सब्सिडी भी दिले हैं। सब्सिडी दिए हैं जी। यानी आप लोग सोच लिए हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना जी? तो इस बार नारा दिए हैं मोदी जी की 400 पार कर देना है। हाँ भाई, वो होने हैं। कितना पार हो? पार होने हैं। कितना पार हो जाएगा? 400 पार से ऊपर हो जाएंगे। 400 से ऊपर 500 हो जाएगा जी, जी। तो देखिए ये मोदी जी का भी यानी ज्यादा आगे बढ़ गया, मोदी जी से भी ज्यादा आगे, 100 आगे बढ़ गया है। यानी 500 ये सीट देने का बात कर रहे हैं। और भी कुछ भैया हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम उदय सिंह हुआ। उदय सिंह जी। कौन इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोड़ के दूसरा कौन बनेंगे? इस देश की जनता की मांग है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। अच्छा, ये राहुल गांधी ये सब नहीं? कुछ नहीं, नहीं। यहाँ की जनता सिर्फ नरेंद्र मोदी। बिहार के नेता एक है लालू यादव, वो कुछ नहीं, उन लोग का कुछ नहीं चलेगा। बिहार की जनता मानता है तो नीतीश जी, या नहीं तो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी, इसके सिवा कुछ नहीं। क्यों नरेंद्र मोदी ही क्यों? विकास किए हैं, इस देश का नाम रोशन किए हैं। विदेश में जो यहाँ के प्रधानमंत्री को प्रतिष्ठा नहीं मिलता था, आज पूरे विश्व में इनको मिलता है प्रतिष्ठा। अमेरिका इनको प्रतिष्ठा देता है, इनका अपना एक क्षमता है, उस ढंग का बनाए हैं कि पूरे विश्व इनको मान रहा है। और इससे बढ़िया क्या भारत का चीज होगा? यहाँ की हम जनता हैं, हमारे अगर देश के प्रधानमंत्री के बीच में स्थान मिल रहा है, बढ़िया इज्जत मिल रहा है, इससे बड़ा और खुशी का क्या बात है। अच्छा, आप पांच काम, दो काम बता दीजिए कि जो मोदी जी का दो काम आपको बहुत अच्छा लगता है कि भाई ये काम हुआ है ना मोदी जी का, ये बहुत अच्छा काम है। सबसे पहले तो देखिए, किसान लोग कहते थे कि हमको कुछ नहीं मिलता है। दोनों बिहार में नीतीश जी थे और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी थे, तब यहाँ सभी किसान को 2-2 हज़ार करके 6,000 रुपया साल में दिया जाता है कि जो खेती बाड़ी के सम्मान निधि है। तो ये तो सबको डायरेक्ट मिल रहा है, नहीं कि हमको नहीं मिल रहा है या इनको नहीं मिल रहा है, ये तो सब एकदम जाति पाति से उठ करके इन्होंने काम किया। और इससे बड़ा क्या चाहिए? बीच में हमारे देश पर संकट आया, जो पूरे विश्व से जूझ रहा था कोरोना महामारी से, उस समय भी नरेंद्र मोदी जी अपने स्तर से पूरे देश को संभाल लिए, इस देश को बर्बाद होने से बचा लिए। हर एक गरीब को अन्न फ्री देने लगे, उस समय गैस सिलेंडर 3-3 फ्री मिला, और विपत्ति के समय में इससे ज़्यादा क्या मिल सकता है? तो इससे बढ़िया तो प्रधानमंत्री कोई हो नहीं सकते हैं। यानी विपत्ति के समय में खुद प्रधानमंत्री जनता के सपोर्ट में रहे, सपोर्ट उनके साथ रहे, है ना? इसलिए आप इस बार चुनाव में उनके साथ हैं। हम उनके साथ हैं। हाँ, यानी कहीं भटकना नहीं है, कुछ नहीं उसमें। सब कुल महागठबंधन का क्या? वो तो अपना अपना खाली राजनीति की रोटी सेकते हैं, उससे कुछ नहीं। लेकिन जनता सब जान गई है, उससे कुछ नहीं। जनता तब देखता है कि कौन विकास करते हैं, कौन शांति रखते हैं। ये तो जनता के तो यही ना चाहिए कि शांति विकास, और क्या चाहिए? शिक्षा सही है, यानी जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो रही है इन लोगों को, इसलिए ये लोग मोदी जी के साथ हैं और नीतीश कुमार के साथ हैं। क्या नाम हुआ? वरुण कुमार। वरुण कुमार जी, क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। आप क्या करेंगे? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करे वाला आदमी के इतना ऊपर नहीं रहता है, उतना करते हैं। दही दूध खाते हैं तो उतना हो गया। दूध जादव जी लोग खाते हैं। हम लोग कौन जाति के हैं? हम लोग भूमिहार जाति के हैं। भूमिहार जाति के? हाँ हाँ। जात पूछ दिए इसलिए कि बिहार सरकार जाति का गिनती करवाया है, उससे फॉलोअप कर गया जाति जनगणना। कुछ नहीं उससे चलेगा, उससे कुछ हुआ उसको? नीतीश
लालू जी के बेटा के, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन इस बार तो लोकसभा में फायदा करेगा, बस खाता नहीं खुलेगा बिहार में। आ? खाता नहीं खुलेगा बिहार में, खाता नहीं खुलेगा नहीं। अब मोदी जी का कितना रहेगा? 40 में 40 रहेगा बिहार में, 40 में 40। हाँ हाँ, अभी पूरे भारत में कितना रहेगा? 400 पार, 400 पार, 400 पार। जो नारा दिए हैं उस नारा का एकदम पूरा पार कर देना है, एकदम पार हो जाएगा। काहे पसंद है मोदी जी? मोदी जी खेवनहार हैं, देश को खेवनहार। इतना बढ़िया कोई प्रधानमंत्री नहीं मिला आज तक, आजादी के बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं। नहीं, अच्छा क्या फायदा आपको उनसे हुआ है? बहुत फायदा जोड़ा है, फायदा सबसे पहले शिक्षा बहुत सुधर गया इंडिया में, गरीब लोगों को 5-5 किलो अनाज मिल रहा है, सब खा रहा है गरीब लोग। दाल नहीं मिल रहा है? दाल मिला, सब चीज मिल रहा है, दाल मिलता। सबसे पहले कोरोना काल में जो किए, अभी महामारी फैल जाता है इंडिया में, सब देश में तो मर गया सब। चावल तो दे रहे हैं, दाल नहीं, लेकिन सब मिल जाएगा दाल। पैसे इतना दे रहे हैं कि शांति तो है न, शांति है न। तो लालू जी कहते हैं कि भाई नफरत फैलाते हैं ये लोग विपक्ष। लालू जी का अभी पता लग जाएगा, चुनावी आइए रहा है, चुनाव आइए रहा है। खाता नहीं खुलेगा बिहार में, आप लोग कह रहे हैं कि खाता नहीं खुलेगा, विपक्ष वाला कह रहा है कि भाई नहीं इस बार हम लोग देखिए। लड़के लड़के फरियाले ने, वो कितना सीट मिलेगा उसको से बिहार में, कितना मिलेगा देख ले, लड़के लड़िए रहा है नहीं। आप लोग पूरा साथ है, पूरा तन मन धन से, तन मन धन से। हाँ तो देखिए ऐसे समर्थक है जो तन मन और धन से मोदी जी के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है। और भी चाचा उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? राजकुमार महतो। राजकुमार महतो जी, किनको सपोर्ट कीजिएगा इस बार? हम लोग तो मोदी के साथ हैं। मोदी जी के साथ? जी मोदी जी के साथ। नीतीश कुमार साथ हैं इसलिए कि अगर नीतीश कुमार अलग रहते तो नहीं साथ देते? नहीं नहीं, मोदी जी के। अच्छा क्या फायदा हुआ है मोदी जी से? मोदी जी से बहुत फायदा हुआ है। क्या क्या कुछ फायदा बताइए? देखिए अभी 5 किलो अनाज सबको मिलता है। अच्छा। और 2000 रुपया 3 महीने पर देते हैं ना किसान के, उसके 6000 रुपया किसान के लिए बहुत फायदा है इससे। आयुष्मान कार्ड है जो अभी बना रहे हैं हम लोग, हमरे ही भी पूरा मैंने जन वितरण प्रणाली वाला गांव में आकर के मैंने आयुष्मान कार्ड सबको बना रहे हैं। आयुष्मान कार्ड से स्वास्थ्य लाभ होता है लोगों को, 5 लाख रुपया तक फ्री इलाज। हाँ फ्री इलाज, 5 लाख तक के फ्री, हर आदमी को 5 लाख फ्री इलाज, उससे गरीब आदमी को बहुत। यानी मोदी जी का सपोर्ट कीजिएगा? हम मोदी जी या नीतीश जी को भी हम लोग बहुत चाहते हैं चूंकि। अच्छा ये दोनों नेता में सबसे अच्छा आपको कौन लगता है, नीतीश या मोदी जी में सबसे बढ़िया कौन? दोनों ठीक हैं सर, दोनों ठीक हैं, दोनों ठीक हैं। ये यहाँ बिहार के लिए नीतीश जी भी बहुत अच्छे आदमी है, काम भी बहुत किए हैं, और केंद्र में तो मोदी जी को कुछ कहने नहीं है। अरे पूरा डंका बज रहा है। हाँ डंका हम लोग में जी, एकदम पूरा हर घर मोदी, एकदम है एकदम हर घर मोदी, हर घर मोदी। तो देखिए ये हर घर मोदी का नारा दे रहे हैं यहाँ के लोग, नालंदा के लोग। एक और चाचा है उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? विनोद सिंह। विनोद सिंह जी, अच्छा आप भी लगता है भूमिहारे हैं। हाँ हाँ, किसको इस बार जिताइएगा? एनडीए को। एनडीए को? एनडीए को, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना? प्रधानमंत्री मोदी को बनाना ही बनाना है। अच्छा। हर हाल में भाई महागठबंधन वाला लोग कर रहा है कि इस बार मोदी जी को एकदम उखाड़ देना है। इसका तो काम बोलना, केवल काम इसका नहीं, कुछ करता तो नहीं ना है, केवल बोलता है, तो बोलने से क्या होगा? ये तो इस बार देखिए अलग हुए तो कर रहे हैं कि 17 महीना बनाम 17 साल बिहार में दिखा रहे हैं। 17 महीना के रखा इसको नीतीश जी रखे, ये क्या किया है इन लोग? रोजगार दिए, ये कुछ रोजगार देगा? तो कह रहे हैं अरे रोजगार देना, रोजगार मालिक देता है। तो राज्य का मुखिया हमारा नीतीश कुमार, तो मालिक नीतीश कुमार न थे, तो रोजगार तो हमारा नीतीश कुमार, ये क्या देगा? ये सब चपरासी है, ये सब कुछ ही देगा? देखे ये रोजगार दे भाग गया तुरंत, कैसे हो गया? अच्छा लोकसभा में कितना सीट आएगा महागठबंधन को? महागठबंधन कते आवेगा? वो सब बहुत कम में आवेगा, वो सब 100 से नीचे रहेगा। बिहार में कैसी सीट? बिहार में कहाँ, बिहार में कोई जगह उसको है? बिहार में अगला बार इवेंट क्या है अभी, कहाँ जगह बिहार में है? कोई जगह नहीं, कोई वैकेंसी नहीं, सब फूल है, पहला ही बुक हो गया यहाँ। यानी खाता आप भी कर रहे हैं कि नहीं है खुलेगा? अभी नहीं, जो राम को लाए हैं उसको हम लाएंगे। मोदी जी हमारे क्या हैं? लेकिन ये देखिए आप कह रहे हैं चाचा कि भाई जो राम को लाए हैं उसको हम लाएंगे, लेकिन एक समय ये भी था जिस समय भगवान राम के, यानी उनका जब ये हो रहा था, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, उस समय यहाँ के लोग कह रहे थे कि भाई राम अस्पताल बनाने की आवश्यकता है, मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता थी, है ना? वह ज्ञान लोग ने है,
अज्ञानी लोग विचारबे नहीं करता कि ट्रस्ट है, उसमें पैसा जब आता है तो देखिए महावीर मंदिर में कितना पैसा आता है, उससे क्या कैंसर का इलाज होता है, स्कूल भी चल रहा है, उसी प्रकार जब वो बन गया है तो वहाँ के पैसा के भी सब उपयोग होगा। तो इन लोग को कुछ जानता नहीं, इन लोग तो गंवार सब है, इसको क्या पता है, कुछ जानता है इन लोग, कुछ सब जीरो में है इन लोग हैं। लेकिन उप मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, अरे तो ये तो जानबे करते, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ होल, ये तो बड़ी पुराना बात है, इसको क्या कहना है। तो इस बार यानी 400 पार हो जाएंगे मोदी जी? 400 पार हर हाल में होना है, हर हाल में होना, हर किसी भी कीमत पर। नालंदा के लोग एनडीए को वोट देंगे? एनडीए को हम लोग तो एनडीए को वोट देवे करेंगे, एनडीए को वोट देना है और दिलवाना भी है, दिलवाना भी है, दिलवाना है, हर एक तरह से दिलवाना है, तन मन धन से सब कुछ से सारी चीज लगा देंगे हम लोग। तो देखिए ये नालंदा के लोग हैं और इन लोगों का भी समर्थन एनडीए को है। जैसा कि एक चाचा ने बताया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और शायद पूरा देश भी यही सोच रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देख लीजिए सामने में एक दिव्यांग भैया हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा कष्ट इन्हीं को होता होगा। भीड़ भाड़ में जब जाते होंगे, सड़क पर चलते होंगे, तो सबसे ज़्यादा कष्ट इनको होता होगा। इनके मन में क्या कुछ चल रहा है, इनका क्या विचार है, इनसे भी जानना जरूरी है। क्या नाम हुआ आपका भैया? संतोष कुमार। संतोष कुमार, आप किसको वोट दीजिएगा? हम लोग एनडीए को वोट दें। आप भी एनडीए को वोट दीजिएगा? हाँ। आपके लिए क्या एनडीए किया? हम लोग के लिए मुफ्त में राशन मिलता है, मुफ्त में इलाज है, आरक्षण 3% से 4% हम लोग को बढ़ा, फिर हम लोग को पढ़ने के लिए लोन मिलता है नीतीश सरकार से, सारा चीज़ हम लोग को सरकार से तो मिलता। तो कितना सीट आएगा बिहार में? 40 के 40। हाँ। ये महागठबंधन वाले लोग क्या करेंगे? आरजेडी तो 15 बरस ऐसे कर रहे हैं। 15 बरस से ऐसे ही कर रहे हैं? हाँ। तभी तो साथ थे आपके चचा के, साथ थे तो साथ ले लेते हैं, आते जाते उस सब का वही काम है। तो वो कह रहे हैं कि 17 बरस बनाम 17 महीना गिना रहे हैं, आप कह रहे हैं 15 बरस से? मतलब 15 बरस से नीतीश कुमार शासन में है कि 17 महीना से? तो ये तो कह रहे हैं कि 17 महीना में हमने जो काम किया है वो कोई नहीं किया, हमने रोजगार दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, काम कर दे उप मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री मुखिया ने काम करेगा कि उप मुख्यमंत्री काम करेगा? आपके घर के मालिक करेगा कि नौकर काम करेगा? तेजस्वी यादव नौकर थे? अरे नौकर नहीं थे, साथे थे। वो कौन सी काम के 15 बरस में निकलते थे पटना दिल्ली बम्बई से, लोग अंधार में निकलता था बिहार में। नीतीश कुमार के देन है क्या? चमन है चारों तरफ, चमन है, चमन चमन। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई, अरे वो तो उनका प्रशंसक क्या कहेगा है? अब कुछ लोग नहीं कहेगा तो क्या भाग जाएंगे राजनीति छोड़। तो देखिए ये संतोष भैया है जो दिव्यांग है, है ना। अच्छा पर्सनली आपको क्या फायदा हुआ है मोदी जी? हमको पर्सनली बहुत सारा लाभ है। क्या हमको? देखिए नालंदा नीतीश कुमार के देन है कि हम लोग देखिए बैटरी वाला रिक्शा पर चढ़ रहे हैं। अच्छा हाँ, एलिमको के हम लोग को 7 निश्चय योजना में लोन मिला, बीएड किए, वो 2 लाख रुपया लोन मिला। यानी आप बीएड भी किए हुए हैं? हाँ। अब वो टीचर में वैकेंसी भर रहे हैं हमारा लोकल। तो वैकेंसी तेजस्वी यादव को हटा दिए तब वैकेंसी? तेजस्वी यादव हम लोग तो 4 बार से वैकेंसी दे रहे हैं, तो तेजस्वी यादव अब हट जाएंगे तो हम लोग वैकेंसी नहीं भरेंगे? नीतीश कुमार के देने की बहाली आ रहा है, या जितना स्कूल बना कॉलेज बना जितना सारा चीज़, शिक्षक के बहाली हुआ, प्रोफेसर के बहाली हुआ, इंजीनियर बहाल हुआ, सब तेजस्वी यादव कर रहे थे कि नीतीश कुमार कर रहे थे? यानी किसी भी कीमत पर एनडीए को ही वोट दीजिएगा, कहीं इधर उधर नहीं भटकना है? हम लोग दिलवावेंगे, देना तो अपना तो देना है ये। यानी अपने दीजिएगा, आप दिलवाइएगा भी? हाँ हाँ, दम भर दम भर। हाँ। कितना वोट आप दिलवाइएगा? जितना पढ़ सके है, जितना पढ़ सके। कितना सीट आएगा एनडीए का यहाँ बिहार में? 40 में 40। आई महागठबंधन लोग का अब 40 में 40 आ जाएगा, जो बचेगा उनका रहेगा जीरो। आपको तो देखिए ये नालंदा के लोग हैं और अक्सर चाय दुकान पे होटल पे चुनाव की चर्चाएं होती है और उन लोगों का विचार जानना जरूरी होता है, क्योंकि कार्यकर्ता और जनता का ही जो विचार होता है वो पूरे देश में घूमता है, उन्हीं का जो मंतव्य होता है उससे लोग पूरे देश की रणनीति तय करते हैं। एक और भैया आ गए हैं, देखिए हम लोगों को देख करके, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर किसको इस बार। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका जी? मेरा नाम संजय कुमार हिमांशु।
संजय कुमार हिमांशु जी जी, इस बार किसको आप लोग सांसद बनाइएगा? इस बार माननीय हम लोग का लोकप्रिय सांसद माननीय श्री कौशलेंद्र बाबू को ही पुनः हम लोग अच्छा, सांसद बनाएंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए कौशलेंद्र बाबू को टिकट नहीं मिला तो जिनको नीतीश बाबू टिकट दे देंगे हम लोग नीतीश बाबू के ही, यानी नीतीश कुमार जिसको दे दी जी जी, जिनको टिकट दे देंगे नीतीश बाबू उनको हम लोग। कौशलेंद्र कुमार को मिला तो आप लोग भी सौभाग्यशाली रहिएगा कि जी जी चौथी बार इनको मिल गया टिकट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद है कि चौथी बार भी मिलेगा। जी जी हम लोग तो उम्मीद है किए हुए हैं कि कौशलेंद्र बाबू को ही टिकट मिलेगी। अच्छा, नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार में सबसे टॉप नेता आपको कौन लगते हैं? हमको दोनों ही टॉप नेता हैं, दोनों टॉप लगते हैं जी। बिहार के लिए नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए टॉप नेता हैं, और देश के विकास के लिए माननीय श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी देश के लिए एकदम टॉप हैं। जी जी बिल्कुल। ये कितना सीट बिहार में आएगा एनडीए को? लगभग हम तो समझते हैं 38 तो सीट आनी चाहिए। 38 जी, आपके साथ ही लोग 40 पर एकदम दावा कर रहे हैं। ये तो 40 भी आप केवल अपने वोट दीजिएगा, दिलवाइएगा नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल देंगे भी और दिलाएंगे भी। ओ, दिलवाइएगा जी जी बिल्कुल। नहीं, आपके साथ यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं 40 में 40 आएगा, आप और किसे बता रहे हैं? सब लोग आप अपने वोटवा दीजिए। नहीं नहीं बिल्कुल देंगे और दिलाएंगे भी, दिलाइएगा जी। 40 में 400 आएगा। अब एक दो सीट इधर उधर घसकता है ना, महागठबंधन में जाएगा। अब एक दो सीट चली जाएगा तो क्या घटने वाला है मोदी जी को या नीतीश जी को? एक दो सीट से कुछ... मोदी जी समुद्र है जी जी, दुर्घटना पानी घट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा मोदी जी का बहुत अच्छा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बहुत जी अच्छा जी है। और नालंदा से एक बार फिर से मोदी जी के हाथ को मजबूत जी जी बिल्कुल एकदम बिल्कुल मोदी जी को हाथ को मजबूत करना है। अब की बार मोदी सरकार, फिर मोदी सरकार जी 400 पार हो जाएगा जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ये नालंदा के लोग हैं और स्वाभाविक है कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है और नालंदा को हर लोग जानते हैं। विश्व के पर्यटन मानचित्र पर नालंदा को जाना जाता है और नालंदा के लोगों का मंतव्य लेना इसलिए ज़रूरी होता है कि इससे पूरे देश में संदेश जाता है। नालंदा मुख्यमंत्री साहब का गृह जिला है और नालंदा के लोगों को आपने सुना, जैसा कि आप देख लीजिए, ये राजगीर विहार शरीफ मुख्य मार्ग पर का होटल है और इस होटल का एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, मुर्गा चावल काफी स्वादिष्ट है। मटन चावल जी, सुरेश सिंह का होटल है, मटन चावल का फेमस जी, होटल जी, जी नालंदा मोर का। हम खाते नहीं है इसलिए आप ही लोग ने स्वाद बताइए। नहीं नहीं, हम लोग तो खाते हैं, फेमस पुराने होटल है, सुरेश सिंह का नामी होटल है मटन चावल का। यहाँ पे प्रतिदिन चर्चा चलता है चुनाव का। जी 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 एकदम चुनावी मजलिस यहाँ पे रहता है और हर हर तबके, हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग यहाँ पे बैठते हैं, खाना खाते हैं, भोजन करते हैं और हर दल के लोग भी आते जाते हैं। सभी को सुरेश बाबू के बेटे हैं वो भोजन कराते हैं प्रेम पूर्वक, सद्भाव पूर्वक, किसी तरह का भेदभाव नहीं है। हाँ, मटन ये यहाँ पे होटल, यहाँ पे मजलिस लगता है, खास करके चुनावी चौपाल जिसको हम लोग कहते हैं। जैसा कि आप देख लीजिए, ये सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और चुनावी चर्चा चलती है। तो अब लोकसभा चुनाव का बिगुल फूका जा चुका है, ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर इस बार नालंदा के लोग क्या सोच रहे हैं, यहाँ का क्या विचार है। तो नालंदा के लोग सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने का विचार बना लिए हैं, जैसा कि आप लोग सुने हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।